Hello guys, welcome to this channel. In this session, we will do 25 previous year questions from the modern history, which are asked in the previous SSC examination conducted from 2010 onwards to 2023. And this is the seventh part of this series. So if any person visit this channel for the first time, so you can subscribe the channel. And if you subscribe, then please don't forget to press the bell icon also. The question is, in which of the following sessions did the Congress split into two fractions? कौन से सेशन में जो है कांग्रेस स्प्लिट हुई थी दो पार्ट्स में? ए ऑप्शन इज कलकत्ता सेशन ऑफ 1907, बी ऑप्शन इज सूरत सेशन ऑफ 1907, सी ऑप्शन इज नागपुर सेशन ऑफ 1907 एंड डी ऑप्शन इज छोटा नागपुर सेशन ऑफ 1908. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सूरत सेशन ऑफ 1907. अब देखिए गाइस, इस केस में आपको ईयर के साथ साथ जो है जो जगह का नाम है सेशन का नाम भी याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 1907 जो है तीन ऑप्शन में देखने को मिल रहा है. सो वो कौन सा सेशन था? तो वो था सूरत सेशन जो हुआ था 1907 में. ओके, सो अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, सो इस सेशन के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर रास बिहारी घोष. ओके, इसमें जो है कांग्रेस दो भाग में स्प्लिट हुई थी, दैट इज एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स. अगर हम एक्सट्रीमिस्ट की बात करें, सो उसमें लाल बाल पाल के नाम आपको याद रखने हैं, दैट इज बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्रा पाल. और मॉडरेट्स में जो है दादा भाई नौरोजी, राजेंद्र प्रसाद, कुछ इस तरह के नाम आते हैं. और थर्ड लास्ट पॉइंट देखिए, दैट इज अगर हम इन दोनों, फिर अगर जो ग्रुप्स ये बने थे INC के, ये फर्दर यूनाइट हो गए थे कौन से सेशन में? सो लखनऊ सेशन ऑफ 1916. ओके, जो लखनऊ सेशन था 1916 का, उसमें ये एक प्लेटफॉर्म पे आ गए थे अगेन. और जो इस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार. ओके, सो ये भी याद रखिएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड एट विच प्लेस इन अक्टूबर 1920? ए ऑप्शन इज कलकत्ता, बी इज ब्रिटेन, सी ऑप्शन इज लाहौर एंड डी ऑप्शन इज ताशकंद. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ताशकंद. अगर हम जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करें, सो आपने गाइस ईयर का ध्यान रखना है, यहाँ पर 1920 ईयर दिया हुआ था. सो इसकी हुई थी ताशकंद में, और किसने की थी? सो बाई M.N. रॉय. आपको इनका नाम याद रखना है. अगर फाउंडर पूछा जाता है तो ऑप्शन में आपको M.N. रॉय का नाम देखने को मिलेगा, बट इनके साथ जो है बाकी अदर पर्सन भी थे जिन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी. ओके, बट अगर हम ऑफिशियली इंडिया की बात करें, सो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1925 में. ओके, दिसंबर 1925 में. कहाँ पर हुई थी? सो कानपुर में. ओके, इसके 7 मेंबर्स थे जिन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी, वो आप यहाँ पर थर्ड पॉइंट में देख सकते हो. ओके, जो CPI है फर्दर गॉट डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, दैट इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दैट इज द मार्क्सिस्ट, और CPI 1964 में. और जो CPI है, इट वॉज अलाइड विद द कांग्रेस पार्टी ड्यूरिंग 1970 से 77 तक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिवोल्यूशनरी हीरो अशफाक उल्ला खान वॉज सेंटेंस टू डेथ फॉर. ए ऑप्शन इज किस पर्पज के लिए इनको जो है डेथ पेनल्टी मिली थी? ए ऑप्शन इज द मर्डर ऑफ जॉन सॉन्डर्स, बी ऑप्शन इज बर्निंग ऑफ द चौरा चोरी पुलिस स्टेशन, सी ऑप्शन द ककोरी ट्रेन रॉबरी एंड डी ऑप्शन इज द अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज द ककोरी ट्रेन रॉबरी. और गाइज, इस ककोरी ट्रेन रॉबरी को हमने काफी आई थिंक 3 or 4 टाइम डिस्कस कर चुके हैं, और इस पर मैक्सिमम टाइम जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ है SSC के पेपर में. ओके, सो आप देख लीजिए, सेम टॉपिक पे डिफरेंट डिफरेंट वे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो ककोरी ट्रेन रॉबरी हुई थी 9 अगस्त 1925 को. आपको इसमें तीन पर्सन को जो है फांसी की सजा दी गई थी, दैट इज राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान एंड रोशन सिंह. बाकी अदर पर्सन की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट थी, और ये सारे पर्सन जो है एसोसिएटेड थे HRA से, दैट इज द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से. ओके, और इनको डेथ मिली थी दिसंबर 1927 को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 1919 टुक प्लेस एट. ए ऑप्शन इज लखनऊ, बी ऑप्शन इज दिल्ली, सी ऑप्शन इज बॉम्बे एंड डी इज लाहौर. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज दिल्ली. जो ऑल इंडिया खिलाफत की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी नवंबर 1919 को, सो वो कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में. ओके, जो अगर हम खिलाफत कमेटी की बात करें, सो इट इज ऑल्सो नोन एज इंडियन मुस्लिम मूवमेंट, जो चलता है, मतलब इसकी शुरुआत होती है 1919 से और इसका एंड होता है अप्रोक्सीमेटली 1924 को. ओके, अगर इसकी फाउंडेशन की बात करें खिलाफत कमेटी की, तो इसकी फाउंडेशन रखी थी अली ब्रदर्स. अली ब्रदर्स आपको देखने को मिलेगा पेपर में, ऑप्शन में ज्यादातर. तो ये दो भाई थे, शौकत अली एंड मोहम्मद अली जौहर. बाकी जो अदर पर्सन थे इनके साथ, वो थे हकीम अजमल खान एंड अब्दुल कलाम आजाद. ओके, और यहाँ पर देख सकते हो, दैट इज द इसकी कॉन्फ्रेंस होती है इन दिल्ली इन नवंबर 1919 एंड द कॉल वॉज मेड टू बायकॉट द ब्रिटिश गुड्स. नेक्स्ट इज, विच अमंग द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इज फाउंडेड बाई पंडित मदन मोहन मालविया.
A option is Delhi University, B is Punjab University, C option is Sambalpur University, and D option is Banaras Hindu University. So the right answer is option D, that is Banaras Hindu University. और Banaras Hindu University की foundation रखी थी मदन मोहन मालवीय ने in the year 1916. Okay, 1916 में आपको year भी याद रखना है. और जो मदन मोहन मालवीय हैं, इन्होंने हिंदू महासभा की भी जो है शुरुआत की थी कौन से ईयर में, तो 1915 में. ओके, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड हिंदू महासभा दोनों किसकी वो थी, सो पंडित मदन मोहन मालवीय ने शुरुआत की थी. और इनके जो दो टाइटल आपको याद रखने हैं, दैट इज महामना एंड कर्मयोगी. जो इनको महामना का टाइटल था वो दिया था महात्मा गांधी ने, एंड कर्मयोगी का टाइटल इनको दिया था डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने, जो कि सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लेम फॉर स्वराज्य और सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर ऑन द मॉडल ऑफ सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड कैनेडा वॉज पुट फॉरवर्ड फ्रॉम द कांग्रेस प्लेटफॉर्म इन 1905 बाय. जो सेल्फ गवर्नमेंट की जो डिमांड थी एक तरह से, वो 1905 में किसने दी थी? ए ऑप्शन इज लाला लाजपत राय, बी ऑप्शन इज दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन इज बीपी चंद्रपाल, एंड डी ऑप्शन इज गोपाल कृष्ण गोखले. So the right answer is option D, that is Gopal Krishan Gokhale. So अगर हम बात करें 1905 में, तो इसकी डिमांड that is for the स्वराज्य और सेल्फ गवर्नमेंट वो रखी थी बाल कृष्ण गोखले ने फ्रॉम द कांग्रेस प्लेटफॉर्म, और 1906 में रखी थी दादा भाई नौरोजी ने. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज वॉज अरेस्टेड बाई द ब्रिटिश एज एन अक्यूज इन द अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस. ए ऑप्शन इज कन्हाई लाल दत्ता, बी ऑप्शन इज राजेंद्र लाहिड़ी, सी ऑप्शन इज रोशन सिंह, एंड डी ऑप्शन इज अशफाक उल्ला खान. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कन्हाई लाल दत्ता. ये जो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस था, ये 1908 में होता है, और इसमें काफी लोगों को जो है अरेस्ट किया जाता है. यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के नाम देख सकते हो, दैट इज अरविंदो घोष, बरिन घोष, सतेंद्रा बोस, एंड कन्हाई लाल दत्ता, एंड मोर देन 30 मेंबर्स ऑफ द अनुशीलन समिति वर अरेस्टेड इन दिस केस. इसमें जो है मैजिस्ट्रेट जिनका नाम था डॉन्जलस किंग्सफोर्ड, जो बंगाल प्रेजिडेंसी से थे, उनको एक तरह से मारने की यहाँ पर जो है ट्राई किया जाता है, मारने की कोशिश की जाती है. कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में, बाय द बंगालीज. ओके, बट ये इसमें फेल रहते हैं, बट इनकी जगह पर जो है कोई और तीन लोगों की डेथ यहाँ पर हो जाती है. ओके, सो यहाँ पर काफी लोगों को अरेस्ट किया जाता है, और आपको नाम याद रखना है ए, दैट इज द खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ला चक्की. ये दो पर्सन भी थे जिनको इस केस में जो है फांसी की सजा दी जाती है. अभी हम आगे इन पर क्वेश्चन आएगा, सो वो भी इसी अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस से एसोसिएटेड थे, राइट. सो याद रखिएगा, ये होता है 1908 में, और यहाँ पर था That is, कि कौन सा पर्सन इसमें अरेस्ट होता है. सो यहाँ पर ऑप्शन, वैसे काफी ज्यादा पर्सन थे, बट ऑप्शन में यहाँ पर हमें कन्हाई लाल दत्ता देखने को मिलेगा. सो द राइट आंसर इज दिस वन. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट वाज द एज इन द इयर्स ऑफ द रिवोल्यूशनरी भगत सिंह व्हेन ही वाज हैंग्ड टिल डेथ. जब इनको फांसी की सजा दी गई थी तो ये कितने साल के थे, मतलब भगत सिंह? ए ऑप्शन इज 20, बी ऑप्शन इज 23, सी ऑप्शन इज 30, एंड डी इज 26. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 23. और हम काफी बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, ये तीनों ही संबंध रखते थे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस से, जिसके लिए इनको जो है फांसी की सजा दी जाती है. और इनको फांसी की सजा मिलती है 23 मार्च को, दैट इज मार्च 23, 1931 को. वैसे इनको 24 मार्च को फांसी की सजा दी जानी थी, बट ड्यू टू द ह्यूज प्रोटेस्ट बाय द पीपल इनको एक दिन जो है फांसी की सजा दी जाती है. और इसी दिन को जो है मार्टियर्स डे और शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है. ओके, और इनको जो है फांसी की सजा क्यों दी जाती है, क्योंकि ये जो है फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन किलिंग द, क्योंकि एक ब्रिटिश ऑफिसर होते हैं जिनका नाम था जॉन सॉन्डर्स, इनकी ये हत्या करते हैं. क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जो है लाला लाजपत राय की जो हत्या होती है इसके पीछे इनका हाथ था, कि मतलब इन्होंने उनके सिर पर लाठी मारी थी जॉन सॉन्डर्स ने. ओके, इसलिए ये मतलब भगत सिंह ये मतलब पर्सन जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए इनको मारते हैं, और इन्हीं की जो है डेथ के पीछे फिर इन तीनों को फांसी की सजा दी जाती है. ओके, और लाला लाजपत राय के बारे में मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि ये लाला लाजपत राय जब जो साइमन कमीशन इंडिया में आता है 1928 में, सो उसके अगेंस्ट जो है पीसफुली वैसे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, तो ब्रिटिशर जो है इनके ऊपर लाठी चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से जो है लाला लाजपत राय के सिर पर लाठी रखती है, और कुछ टाइम बाद जो है इनकी जो है फिर डेथ हो जाती है. और ऐसा कहा जाता है कि जॉन सॉन्डर्स ने जो है इनको सिर पर लाठी मारी थी. ओके, सो इसीलिए मतलब एक बदला लेने के लिए भगत सिंह वगैरह जो है ऐसा करते हैं, इनकी मतलब इनको मारते हैं, जिसकी वजह से इनको डेथ पेनल्टी मिलती है लेटर ऑन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड जॉर्ज यूले बिकम द प्रेसिडेंट इन 1888.
ए ऑप्शन इज कैलकटा, बी इज अलाहाबाद, सी ऑप्शन इज मद्रास एंड डी इज बॉम्बे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अलाहाबाद। अब देखिए, जो जॉर्ज यूले थे ये फर्स्ट नॉन इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, या फर्स्ट इंग्लिश मैन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इन आईएनसी। तो वो कौन थे? जॉर्ज यूले। ये इन्होंने जो है सेशन प्रिसाइड किया था, जो कि था अलाहाबाद सेशन, जो हुआ था 1888 में। ओके, और ये फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी थे। तो सेम चीज पर जो है डिफरेंट डिफरेंट वे में क्वेश्चन बनता है। ओके, सो अगर हम फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करें आईएनसी के, तो वो थे उमेश चंद्रा बनर्जी, दैट इज डब्ल्यू सी बनर्जी। जो फर्स्ट सेशन होता है वो होता है 1885 में, और जो सेकंड प्रेसिडेंट थे जो होता है 1886 में, उसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नरोजी। ओके, और जो थर्ड प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, उनका नाम था बदरुद्दीन त्यागी। ओके, और ये जो है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी भी थे। ओके, सो सभी पॉइंट्स को काफी अच्छे से याद रखिएगा। राइट गाइस, मैं आपको एक सेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें मैंने आईएनसी से, दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग पर जो है काफी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आप उस सेशन को देख सकते हो आफ्टर वॉचिंग दिस सेशन, ताकि ये आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स होस्टेड द इंडियन फ्लैग एट ग्वालियर टैंक मैदान इन मुंबई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। ए ऑप्शन इज अरुणा असफ अली, बी इज सरोजनी नायडू, सी ऑप्शन इज तारा रानी श्रीवास्तवा एंड डी ऑप्शन इज मतंगिनी हजारा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अरुणा असफ अली। जो ये झंडा फहराना था कहाँ पर? ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। इसका ये पर्पस था, दैट इज कि क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी है। तो वो कौन पर्सन थे? वो उनका नाम था अरुणा असफ अली। ओके, बट जो ब्रिटिशर्स को जो है पहले इस चीज का पता लग जाता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करने वाले हैं, तो ये लोग पहले ही अरेस्ट हो जाते हैं। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी सपोर्टेड द मूव पार्टीशन ऑफ बंगाल? ए ऑप्शन इज गदर पार्टी, बी इज फॉरवर्ड ब्लॉक, सी ऑप्शन इज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, डी ऑप्शन इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो कौन सी ऐसी पार्टी थी जिन्होंने सपोर्ट किया था, मतलब वो फेवर में थे फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल? हमने काफी टाइम डिस्कस किया दैट द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। ओके, जो और सभी लोग इसके अगेंस्ट थे, और इसलिए जो है फिर शुरुआत होती है स्वदेशी मूवमेंट की 1905 में, जिसके दो मोटो थे, मतलब स्वदेशी गुड्स को अपनाना और जो बाइकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स। ओके, बट जो पार्टी थी जिसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, वो इसकी फेवर में थी, मतलब वो ब्रिटिशर्स के फेवर में थी कि उन्होंने जो है बंगाल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल किया। तो अब देखिए, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना कब होती है, इंपॉर्टेंट है, तो दिसंबर 1906 में। कौन करते हैं? इंपॉर्टेंट है नवाब सलीमुल्ला खान। कहाँ पर करते हैं? सो इंपॉर्टेंट है ढाका। तीनों चीजें याद रखनी है। तो आगे यही है कि ये सपोर्ट करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। राइट, नेक्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस? ए ऑप्शन इज आशुतोष मुखोपाध्याय, बी ऑप्शन इज महिंद्रा लाल सरकार, सी ऑप्शन इज प्रफुल्ल चंद्र रॉय एंड डी ऑप्शन इज जगदीश चंद्र बोस। सो द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, इनके फाउंडर का नाम था महिंद्रा लाल सरकार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी फाउंडेशन कब की गई थी, सो जुलाई 29, 1867 को। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज लाला हरदयाल एसोसिएटेड? ए ऑप्शन इज गदर पार्टी, बी ऑप्शन इज इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, सी ऑप्शन इज इंडियन होम रूल सोसाइटी एंड डी ऑप्शन इज स्वराज पार्टी। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज गदर पार्टी। गदर पार्टी की जो फाउंडेशन थी वो 1913 में यूएसए में रखी गई थी। किसने रखी थी? लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह भकना। आपको ये नाम याद रखने हैं, हम इसको प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं वैसे। नेक्स्ट इज, वो अमंग द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट गेव द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? तो ए ऑप्शन इज सुभाष चंद्र बोस, बी इज गोपाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन इज गोपाल कृष्ण गोखले एंड डी इज लाला लाजपत राय। सो जो ये स्लोगन था वो दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, दैट इज बर्थ फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरीज एंड ऑर्गेनाइजेशन इज करेक्टली पेयर्ड? ए ऑप्शन इज एम वीरा राघवाचारी, इन्होंने फाउंडेशन इन्होंने फाउंड की थी पूना सार्वजनिक सभा। बी ऑप्शन इज बद्रुद्दीन त्यागी, इन्होंने फाउंडेशन रखी थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की। सी ऑप्शन इज महादेव गोविंद नाडे, इन्होंने फाउंडेशन रखी थी मद्रास महाजन सभा की। एंड डी इज द सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने फाउंडेशन रखी थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। तो विच पेयर इज द करेक्ट वन? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज बद्रुद्दीन त्यागी, इन्होंने फाउंडेशन रखी थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की। ओके,
तो अगर हम बाकी की बात करें, दैट इज पूना सार्वजनिक सभा, तो इसकी जो फाउंडेशन थी गाइस वो रखी थी एम जी रनाडे, दैट इज महादेव गोविंद रनाडे एंड जी वी जोशी ने, एंड थर्ड नेम भी याद रख सकते हो, दैट इज चिपलूंकर। ओके, और अगर हम बात करें दैट इज मद्रास महाजन सभा की, जो इसके फाउंडर थे वो थे एम वीरा राघवाचारी। ओके, और जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है दैट इज द ऑप्शन डी, इसकी फाउंडेशन रखी थी दादाभाई नौरोजी ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इनके बाकियों के नाम भी फाउंडर भी याद रख लीजिएगा, राइट। तो अगर हम बद्रुद्दीन त्याग जी के बारे में देखें, सो इसके जो सात जो अदर पर्सन थे इसकी फाउंडेशन रखने में, दैट इज द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की, तो वो थे फिरोज शाह मेहता एंड के टी तेलंग। आपको तीनों के ही नाम याद रखने हैं फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, तो इसकी फाउंडेशन रखी थी 1885 में। और बद्रुद्दीन त्याग जी, मैंने आपको प्रीवियस बताया, दैट इज थर्ड प्रेसिडेंट थे आईएनसी के और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट विच ऑफ द फॉलोइंग जेल्स वॉज खुदीराम बोस सेंट टू द गैलोज। ए ऑप्शन इज चित्तागोंग, बी इज बरिशाल, सी ऑप्शन इज मुजफ्फरपुर एंड डी इज अलीपुर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मुजफ्फरपुर जेल। मुजफ्फरपुर जेल में इनको जो है खुदीराम बोस को जो है फांसी की सजा दी जाती है, दी गई थी। ओके, तो मैंने आपको बताया ये कॉन्स्पिरेसी से संबंध रखते थे, क्यों दी गई थी, क्योंकि एसोसिएटेड थे अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस से। ओके, और इन पर जो है एक और क्वेश्चन ऑन बनता है कि कौन से जो है यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर रहे थे इंडिया के। सो इनका नाम है खुदीराम बोस, और इनको जो है फांसी की सजा दी जाती है जब ये सिर्फ कब कितनी एज के थे, ये भी पूछा जाता है इनकी एज पे भी। तो कहीं पर गाइस आपको 19 ईयर्स देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर 18 ईयर्स देखने को मिलेगा। ओके, सो आप देख लीजिएगा, दोनों ही याद रख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हो ये इनको फांसी की सजा कब दी जाती है, सो 11 अगस्त 1908 में, और कहाँ पर, मुजफ्फरपुर जेल में। ओके, क्योंकि उन्होंने ट्राई किया था जो मैजिस्ट्रेट ऑफ मुजफ्फरपुर थे जिनका नाम था किंग्सफोर्ड, उनको मारने का, बट ये अनसक्सेसफुल रहते हैं। इनकी जगह पर जो है दो लेडी होती हैं ब्रिटिशर्स, उनकी डेथ होती है और उनके साथ उनके सर्वेंट की डेथ होती है। ओके, सो इस केस में जो है इनको फर्दर जो है ये पेनल्टी दी जाती है। नेक्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज एसोसिएटेड विद द चित्तागोंग आर्मी रेड। ए ऑप्शन इज विष्णु शरण डबलीश, बी ऑप्शन इज सचिंद्रा नाथ बख्शी, सी ऑप्शन इज मन्मथ नाथ गुप्ता एंड डी ऑप्शन इज आदिंदु दस्तीदार। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज आदिंदु दस्तीदार। जो चित्तागोंग आर्मी रेड है, अगर हम इसके लीडर की बात करें, सो इट वॉज लेड बाय द सूर्या सेन। बाकी यहाँ पर देख सकते हो काफी पर्सन थे जो इससे एसोसिएट थे, तो आपको इनके जो लीडर है इनका नाम याद रख सकते हो। और ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 18 अप्रैल 1930 को। ओके, नेक्स्ट इज, द रामकृष्णा मिशन स्ट्रेस द आइडियल ऑफ ब्लैंक थ्रू सोशल सर्विस एंड सेल्फलेस एक्शन। ए ऑप्शन इज भक्ति, बी इज एजुकेशन, सी ऑप्शन सेल्वेशन एंड डी इज गॉड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज सेल्वेशन। ओके, और यहाँ पर 1897 मैंने इसलिए मेंशन किया हुआ है क्योंकि जो रामकृष्ण मिशन था इसकी फाउंडेशन कब रखी गई थी, सो 1897 में। ओके, किसने रखी थी, सो स्वामी विवेकानंद ने, जो किसके डिसाइपल थे, रामकृष्ण परमहंस के। ओके, नेक्स्ट इज, राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज ब्रह्मो सभा विच वॉज लेटर नोन एज। ए ऑप्शन इज देव समाज, बी ऑप्शन इज आर्य समाज, सी इज ब्रह्मो स्कूल एंड डी ऑप्शन इज ब्रह्मो समाज। तो जो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट्स ब्रह्मो समाज। जो राजा राम मोहन रॉय थे इन्होंने जो है ब्रह्मो समाज या कहीं ब्रह्मो सभा, इसकी जो फाउंडेशन थी वो कब की थी, 1828 में। ओके, बट एक पॉइंट आप और याद रख सकते हो गाइस, ये फर्दर जो है ब्रह्मो समाज इट गॉट डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, दैट इज 1866 में ये फर्दर जो है दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, दैट इज द आदि ब्रह्मो समाज एंड द भारतीय ब्रह्मो समाज। जो आदि ब्रह्मो समाज थे इसको लेड करने वाले, इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करने वाले जो पर्सन थे उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, और जो आदि ब्रह्मो समाज के जो लीडर थे वो थे केशव चंद्र सेन। ओके, सो राजा राम मोहन रॉय ने जो है ब्रह्मो समाज की फाउंडेशन रखी थी 1828 में, सॉरी, और आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सेट अप स्कूल फॉर गर्ल्स एट विच प्लेस। ए ऑप्शन इज बॉम्बे, बी इज सूरत, सी ऑप्शन इज लाहौर एंड डी इज कैलकटा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज कैलकटा। आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, दैट इज इन 1849 ईश्वर चंद्र विद्यासागर सपोर्टेड जॉन एलॉयड बैथ्यून टू एस्टेब्लिश द फर्स्ट परमानेंट गर्ल्स स्कूल इन इंडिया, दैट इज जिसका नाम था बैथ्यून स्कूल। ओके, बाकी सेकंड पॉइंट देख सकते हो, दैट इसका एम था टू एनकरेज द वीमेन फॉर द एजुकेशन। नेक्स्ट इज, हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स, दैट इज सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो ए ऑप्शन इज राम प्रसाद बिस्मिल, बी इज भगत सिंह, सी ऑप्शन इज रास बिहारी बोस एंड डी इज सुभाष चंद्र बोस।
राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज राम प्रसाद बिस्मिल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दैट इज सरफरोशी की तमन्ना इज अ पेट्रियोटिक पोइम। यहाँ पर पोइम आएगा गाइस रिटन इन उर्दू बाय बिस्मिल अजीमाबादी ऑफ पटना इन 1921 एंड राम प्रसाद बिस्मिल रिसाइटेड दीज लाइंस बिफोर ही वॉज हैंग टू डेथ। सेम जैसा हमने इंकलाब जिंदाबाद के केस में देखा था, तो उसको दिया किसने था, सो हसरत मोहानी मोहानी ने, बट जो उसको पॉपुलराइज किया गया था वो किया था भगत सिंह ने। सो उसी तरह जो है इसके केस में भी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स नेम्ड एज मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो हम प्रीवियसली कर चुके हैं दैट इज इट गॉट डिवाइडेड आईएनसी गॉट डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स दैट इज मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट इन द सूरत सेशन ऑफ 1907। ओके, और इसके जो प्रेजेंट थे वो थे रास बिहारी घोष। ओके, नेक्स्ट इज दोंदू केशव कारवे वॉज एन एमिनेंट इंडियन हु चैंपियन्ड द कॉज ऑफ। ए ऑप्शन इज अलाउइंग चाइल्ड मैरिज, बी इज प्रोहिबिटिंग विडो री मैरिज, सी ऑप्शन इज स्ट्रेंथनिंग द कास्ट नॉर्म्स एंड डी ऑप्शन इज स्प्रेड ऑफ वुमेन एजुकेशन। तो ये दोंदू केशव कारवे थे, इन्होंने किस चीज के लिए काम किया था, सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दैट इज स्प्रेड ऑफ वुमेन एजुकेशन। आप यहाँ पर इनके बारे में देख सकते हो दैट इज इन्होंने जो है वुमेन एजुकेशन के लिए एंड री मैरिज ऑफ हिंदू विडोज के लिए काम किया था। ओके, इन्होंने 1907 में जो है महिला विद्यालय की स्थापना की थी एंड 1896 में ही फाउंडेड द हिंदू विडोज होम एसोसिएशन। नेक्स्ट इज नेम ऑफ द थ्री ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन यूज टूगेदर एज अ ग्रुप, पिक द ऑड वन आउट। ए ऑप्शन इज दादा भाई नेहरू जी, बी ऑप्शन इज बिपिन चंद्रापाल, सी ऑप्शन इज लाला लाजपत राय एंड डी इज बाल गंगाधर तिलक। तो तीन नाम कौन से हैं, बाल पाल लाल। ओके, सो कौन सा नाम यहाँ पर शामिल नहीं आता इसमें, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दैट इज दादा भाई नेहरू जी। ओके, सो तीनों के बारे में आप कुछ एक लाइन या टाइटल याद रख सकते हो जिनको कहा जाता है, दैट इज लाला लाजपत राय वॉज पॉपुलरली नोन एज शेर ए पंजाब और पंजाब केसरी, और बाल गंगाधर तिलक वॉज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाय द ब्रिटिशर एंड बिपिन चंद्रापाल वॉज पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट्स। ओके, ये टाइटल या कुछ लाइन जो इनको दी थी ये आप इनसे रिलेटेड जो है याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वॉज द डिस्टेंस अराउंड इन किलोमीटर कवर्ड बाय द फर्स्ट एवर ट्रेन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने इन 1853। ए ऑप्शन इज 38, बी इज 25, सी ऑप्शन इज 34 एंड डी ऑप्शन इज 51। तो जो फर्स्ट ट्रेन थी वो कब चली थी, 1853 को, कौन से दो स्टेशन के बीच में चली थी, सो बोरी बुंदेल बॉम्बे एंड थाने के बीच में, और इन्होंने इसमें कितने किलोमीटर डिस्टेंस जो है ट्रेवल की थी, सो वो थी 34 किलोमीटर। ओके गाइस, सो यहाँ पर आप वही चीज लिखी है, इसको देख सकते हो। सो आई होप गाइस दैट यू लव द कंटेंट, सो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए गाइस। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है और कोई फर्स्ट बार जो है चैनल पर विजिट कर रहा हो, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।